गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी? एकदम से अच्छे बेटा। जल्दी से आप लाइव जुड़ जाइए। ये आपका जर्नल साइंस की क्लास है बेटा। दिल्ली पुलिस में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अक्सर लोग मात खा जाते हैं, उन्हें लगता है कि साइंस तो हमें आती है, लेकिन साइंस में बेटा पिछले ऐसे क्वेश्चन बने हैं जिन्हें कॉन्सेप्ट के बेस पर ही सॉल्व किया जा सकता है। तो जल्दी से आप लाइव जुड़ जाइए। मोरिता यादव, गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। बेटा इससे पहले की जो क्लास हुई है उसमें हम मिरर की बात कर रहे हैं, जिसको हम दर्पण कहते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि मिरर में हमने एक तो था प्लेन मिरर, जिसको हमने डिस्कस कर लिया था। उसमें आपका डेविएशन एंगल पूछ सकता है, एक बार या दो बार पूछ सकता है बेटा। उसकी बेसिक प्रॉपर्टी हमने सारी डिस्कस कर ली थी, उसके यूजेज पूछ सकता है। ऐसे ही हमने कल स्फेरिकल मिरर देखा था और हमने बता दिया था कि स्फेरिकल मिरर में अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका अंदर की ओर है, जहां से लाइट स्ट्राइक करेगी, वो आपका कॉनकेव मिरर होगा, जिसको आप अवतल दर्पण बोल सकते हैं। और बेटा ऐसे ही अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको हम परावर्तक सतह बोलते हैं, अगर वो आपकी क्या है, बाहर की तरफ है, तो हम उसी को क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर कॉन्वेक्स मिरर, और हिंदी में बोल सकते हैं आप उसको उत्तल दर्पण। तो बेटा आज हम इन दोनों मिरर को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत फैक्ट है इनमें, जो चीजें कभी नहीं बदलती, बस बारीकी से आपको ध्यान देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर में पहला हम बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर की, और कॉनकेव मिरर को आप हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। ध्यान से देखिएगा, कॉनकेव मिरर को बोलते हैं हम अवतल दर्पण। ठीक है जी। अच्छा बेटा, अभी बताया मैंने कि अवतल दर्पण उसको बोलते हैं हम जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि परावर्तक जो सतह होती है, वो बेटा आपकी अंदर की तरफ होती है, तो उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आपके दो तरह के प्रतिबिंब बनेंगे। एक प्रतिबिंब होगा जिसका नाम है वर्चुअल इरेक्ट, यानी कि जिसको हम आभासी और सीधा बोलते हैं, और एक प्रतिबिंब होता है बेटा जिसको हम रियल और इन्वर्ट, यानी कि वास्तविक और उल्टा बोलते हैं। यहां पर समझने की बात यह है कि बेटा वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं हो सकता, और बेटा आभासी प्रतिबिंब कभी उल्टा नहीं हो सकता। फिर से सुन लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं होगा, और बेटा आभासी प्रतिबिंब कभी उल्टा नहीं होगा। और अगर कहीं पर ऐसा आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आप समझ लीजिए वो ऑप्शन अपने आप में ही गलत है। बेटा वास्तविक लिखा है तो उल्टा शब्द होगा उसके साथ, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और बेटा अगर आभासी शब्द लिखा है तो उसके साथ हमेशा सीधा लिखा होगा। आभासी हमेशा सीधा होगा और वास्तविक हमेशा बेटा उल्टा होगा। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें ये दोनों ही प्रतिबिंब बनते हैं बेटा, दोनों ही प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखिएगा, इसका पहला ही पॉइंट लिखते हैं, क्या इसमें वास्तविक, और बेटा वास्तविक को बोलते हैं रियल, आभासी, और बेटा आभासी को हम काल्पनिक भी बोल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आभासी को हम काल्पनिक बोल सकते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्चुअल। दोनों प्रतिबिंब बनते हैं बेटा, ये बात ध्यान रखेंगे, और प्रतिबिंब को बोलते हैं इमेज बनती है। पहला पॉइंट इसका यही है बेटा। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। आप कहेंगे सर वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा बेटा
उल्टा होता है, ध्यान से देखिएगा, और उल्टा को हम बोलते हैं बेटा इन्वर्ट, उल्टे को हम बोलते हैं इन्वर्ट। और बेटा इसका जो आकार होगा वो वस्तु से छोटा हो सकता है, वस्तु के बराबर हो सकता है, और बेटा वस्तु से बड़ा, तीनों ही हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसका आकार वस्तु से छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, दूसरा कह सकते हैं आप वस्तु से बड़ा, या पहले मैं बराबर लिख देता हूं, और तीसरा पॉइंट आप कह सकते हैं वस्तु से बड़ा। ध्यान से देखिएगा कि अगर आपका कोई रियल इमेज बनी है बेटा, वो हमेशा उल्टा होगा और उसका साइज आपका वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उस वस्तु की स्थिति के अनुसार ही प्रतिबिंब आपका क्या है बेटा, छोटा, बराबर या बड़ा हो सकता है। प्रथम यादव, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिल्कुल सही पॉइंट है बेटा आपका। और हम कह सकते हैं क्या, अगर आपका प्रतिबिंब कैसा है, आभासी, वो बेटा कैसा होगा हमेशा, आप कहेंगे सर सीधा होगा, और सीधा को आप क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, सीधे को हमेशा क्या बोलेंगे, इरेक्ट। और एक बात ध्यान रखें, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो केवल और केवल वस्तु से बड़ा बनता है बेटा, ये पॉइंट याद रखिएगा। अवतल दर्पण में अगर आपका कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, वर्चुअल, तो वो हमेशा सीधा होगा, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा होगा। और बेटा अगर आपका वो वास्तविक है तो उल्टा तो होगा, लेकिन उसके साइज छोटे, बराबर और बड़े, तीनों हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर से आपका कितना दूरी पर है। तो पहला पॉइंट आपका यही है बेटा, हमने आपको बता दिया है कि वास्तविक है, हमेशा उल्टा है, ये साइज हो सकता है, आभासी है तो सीधा है, और बेटा साइज केवल और केवल यही होगा। ये पहला और दूसरा पॉइंट है बेटा कॉनकेव मिरर का, जिसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात देखिएगा, तीसरा पॉइंट अगर देखना चाहें तो हम कहेंगे कि जो अवतल दर्पण है वो हमेशा इस तरह का प्रतिबिंब बना रहा है। और बेटा अगर इसका डायग्राम देखना चाहें तो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि ये जो आपकी इमेज है, ये तो इसमें पीछे का ये जो पार्ट है ये हमने पॉलिश कर दिया है, ठीक है। और यहां से आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं आप मुख्य अक्ष। और बेटा यहां पर आपका मिरर का ये मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट को हम पोल, और पोल को हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। और बेटा इसका सिंबल होता है पी, ध्यान से देखिएगा, इसका सिंबल होता है पी। इसी तरह से आपका यहां पर जो पॉइंट होता है बेटा उसको हम एफ, और एफ को बोलते हैं आप फोकस, एफ को बोलते हैं बेटा फोकस। आपका ये जो पॉइंट होता है यहां पर, इस पॉइंट का नाम होता है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इस पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हिंदी में आप वक्रता त्रिज्या के नाम से लिख सकते हैं बेटा, वक्रता त्रिज्या। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं क्या कि ये फोकस है, और इस फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एफ, और स्मॉल एफ को फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हिंदी में बोल सकते हैं बेटा फोकस दूरी। ये बात ध्यान रखिए, प्रथम यादव पूछ रहा है व्हेन लाइन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट मीट्स एट फोकस। बेटा एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जब लाइट आपकी इंसिडेंट होती है तो वो हमेशा पैरेलल होती है, लेकिन बेटा लाइट हमेशा फोकस से तभी गुजरती है जब बेटा वो रिफ्लेक्ट होकर आ जाए। ध्यान से समझ लीजिए, प्रथम मैं कह रहा हूं कि आपकी जो लाइट है बेटा जब इंसिडेंट होगी
तो वो पैरेलल चलेगी हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के बेटा, और जैसे ही मैं ये कहूंगा कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, इस मिरर के सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद बेटा जब वो वापस लौटती है तब वो इंसिडेंट रे की फॉर्म में ना हो करके रिफ्लेक्टेड रे की फॉर्म में हो जाती है, और बेटा वही जो लाइन है वो हमारी फोकस से गुजरेगी। इसी तरह से अगला आप कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ की हाफ होती है, ये आपका जवाब बिल्कुल सही है बेटा। हम कह सकते हैं क्या कि ये जो एफ है, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि आपका जो फोकल लेंथ है एफ, वो बेटा आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर की ये क्या होती है, हमेशा हाफ होती है। बेटा एक आपका मिरर फॉर्मूला बनता है, और मिरर फॉर्मूला को हिंदी में बोलते हैं दर्पण सूत्र, और वो होता है आपका 1/f = 1/v + 1/u। ध्यान से देखिएगा बेटा, 1/f = 1/v + 1/u। v यहां पर क्या है, आप कहेंगे सर डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की स्थिति बोल सकते हैं इसको। u जो है यहां पर वस्तु की दूरी या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। ये आपका मिरर फॉर्मूला है, दर्पण सूत्र है, ये आपका स्फेरिकल मिरर बोथ, जिसको हम कॉनकेव या कॉनवेक्स दोनों ही बोल सकते हैं। तो बेटा आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो भी दूरी होगी, कोई भी दर्पण हो, हमेशा पोल से मेजर करते हैं। अगर बेटा पोल से हम किस तरफ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, तो बेटा सभी डिस्टेंस आपकी नेगेटिव हो जाएगी, और बेटा अगर आप पोल से राइट हैंड साइड में जाते हैं तो सभी डिस्टेंसों के जो सिंबल लेंगे वो हम जर्नली क्या लेंगे, आप कहेंगे सर पॉजिटिव लेंगे। राइट हैंड साइड में बेटा सिंबल पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में पोल के हमेशा क्या होगा, आप कहेंगे सर नेगेटिव होगा। तो बेटा अगर मैं ये कहूं आपसे कि मिरर चाहे कोई भी हो, चाहे कॉनकेव हो या कॉनवेक्स हो, हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा मिरर के या पोल के, तो बेटा ध्यान रखना वस्तु की स्थिति या पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या है, आप कहेंगे सर यू है नेगेटिव। सुनीता ने क्वेश्चन पूछा है कि सर ऐसा क्यों, वाई क्यों? तो बेटा एक बात समझिएगा आप, मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा ऑब्जेक्ट को पोल के लेफ्ट साइड में रखते हैं। बेटा आपको डायग्राम से दिख रहा है क्या कि पीछे का जो साइड है वो तो पोलिश है, और अगर पीछे की साइड पोलिश है तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जैसे ही सरफेस पर पहुंचेगी तो बेटा वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। जहां पर पॉलिश होती है वहां पे तो कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, और बेटा अवशोषित होने वाला कलर कभी भी लौटकर वापस नहीं आता, तो आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे, रिफ्लेक्शन कैसे होगा। तो बेटा रिफ्लेक्शन करवाने के लिए हमेशा हम ऑब्जेक्ट को पॉलिश के अपोजिट साइड में रखते हैं। अगर पॉलिश आपकी पीछे की तरफ है तो बेटा आपकी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो हमेशा इसके अपोजिट यानी कि लेफ्ट साइड में होगी। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पोलिश के हमेशा अपोजिट साइड में क्या रखते हैं, हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बेटा। यहीं से आपकी लाइट यहां तक पहुंचेगी और यहीं पर रिफ्लेक्शन होगा बेटा, इस साइड में आपकी तो जा ही नहीं सकती, एब्जॉर्ब हो जाएंगे कलर, और बेटा ये पोलिश लेयर ही तो है जो इसको लेंस को या ग्लास को बेटा मिरर बना रही है, दर्पण बना रही है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि आपका चाहे लेंस सॉरी मिरर कोई भी हो बेटा, उसमें हमेशा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, लेफ्ट साइड में ही होगा। सुनीता अंडरस्टैंड हुआ बेटा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए यस, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, शाबाश शाबाश, जल्दी से कर दीजिए बेटा। मैं कह रहा हूं कि हमेशा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो लेफ्ट साइड में ही होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पोल के हमेशा लेफ्ट साइड में जो बेटा हम सिंबल लेते हैं वो आपका हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा।
तो मैं यहां पे साइन कॉन्वेंशन देख रहा हूं बेटा। साइन कॉन्वेंशन का मतलब है कि किस तरह का हम चिन्ह देंगे। साइन कॉन्वेंशन ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ये ध्यान से देखिएगा कि मैंने अभी कहा कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, वस्तु की दूरी, और उसके लिए हम सिंबल यूज कर रहे हैं बेटा U, और मैंने बताया ये हमेशा लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसका सिंबल क्या लेंगे हम, नेगेटिव। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड। बेटा हमेशा लेफ्ट में होगा। इसी तरह से आपकी कोई ना कोई इमेज बनेगी बेटा, प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब की जो दूरी है बेटा उसके लिए हम वी सिंबल लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, वो जर्नली ही हमेशा जिस तरफ ऑब्जेक्ट है बेटा उसी तरफ इसकी इमेज बनेगी, क्योंकि पीछे की साइड बेटा आपकी क्या है, आप कहेंगे सर पॉलिश है, इसलिए लाइट जितनी भी स्ट्राइक करेगी सरफेस से वो टकराकर लेफ्ट साइड में ही आएगी, इसलिए इसकी भी क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव। और बेटा जो आपकी फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ को बोलते हैं फोकस दूरी, और इसके लिए छोटा एफ बेटा, वो भी आपका क्या होगा, नेगेटिव। और ठीक ऐसे ही हम ले सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और आप कहेंगे सर ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि कॉनकेव मिरर में जर्नली जितनी भी डिस्टेंसेज होती है बेटा, या जितनी भी पोजीशन होती है, वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही होती है, हमेशा बेटा लेफ्ट साइड में ही होती है। इसलिए जर्नली जो कॉनकेव मिरर के आप सिंबल लेके चलेंगे वो हमेशा नेगेटिव लेकर चलेंगे बेटा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है बेटा, आपको ये बातें बारीकी से याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो है बेटा आंसर आएगा। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे बेटा। इधर ही ऑब्जेक्ट है बेटा, लाइट ऐसे आ रही है और टकरा कर इधर ही आएगी लाइट, तो बेटा पोजीशन जो होगी प्रतिबिंब की या इमेज की, वो भी लेफ्ट साइड में, मतलब नेगेटिव। बेटा फोकल लेंथ और आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी इन दोनों की तरह ही क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे बेटा। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। बेटा f आपका फोकल लेंथ है, v आपका पोजिशन ऑफ इमेज है, और बेटा u जो है वो पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, और एफ जो है वो फोकल लेंथ है। आप समझ गए बेटा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सुनीता, प्रथम, चेतन, ज्योति, आप सभी समझ गए इस चीज को, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आपको समझ आ गया हो। आगे चलते हैं बेटा। शाबाश, आप सभी को ये बात समझनी है। और बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये कॉनकेव मिरर के लिए है। इसी में अगला पॉइंट बना देते हैं हम, क्या आप कहेंगे सर अब आता है इसी में, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। ध्यान से देखिएगा बेटा, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताइए कॉनकेव या अवतल दर्पण के क्या यूज है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, अभी मैंने आपको बताया, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसका यूज हमेशा शेविंग मिरर या मेकअप मिरर, जो अपने नाई होते हैं बाल काटने में, या बेटा मेकअप बनाने में किसके यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इन शेविंग मिरर, और बेटा दूसरा कह सकते हैं मेकअप मिरर। बेटा जो श्रृंगार वगैरह करते हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं क्या, इन सोलर फर्नेंस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्नेंस, और इसको हम बोलते हैं बेटा सौर भट्टी।
तो बेटा सौर भट्टी में सूर्य की किरणें एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए, केंद्रित करने के लिए, सेंट्रोइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? सोलर भट्टी में बेटा सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर फोकस करने के लिए हम कौन के मिरर का यूज करते हैं बेटा? तीसरा कह सकते हैं इन सोलर पैनल, ध्यान से देखिए बेटा, इन सोलर पैनल यानी कि सौर ऊर्जा की जो प्लेटें हैं बेटा उसमें उसमें जो है प्लेटें वो बनाई गई है बेटा किससे? आप कहेंगे सर कॉनकेव मिरर से। ऐसे हम कह सकते हैं क्या इन ईएनटी हॉस्पिटल, बेटा ये पॉइंट ध्यान से देखिए, इन ईएनटी, ईएनटी का मतलब है बेटा इसे निकला आंख यानी कि आईज नोज और बेटा टी से थ्रोट गला यानी कि आंख नाक और गला, बेटा आंख नाक और बेटा गला, इनकी जांच में तो बेटा इनकी जांच में हम किसका यूज करते हैं? आप कहेंगे सर कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं बेटा। ठीक ऐसे ही अगर मैं ये कहूं क्या अगला पॉइंट देखा जाए, आप कहेंगे सर इन टॉर्च, बेटा जो टॉर्च है उनमें एक होती है बेटा सर्च लाइट, ध्यान से देखिएगा सर्च लाइट, तो बेटा इन हेडलाइट्स आल्सो, गाड़ी की जो हेडलाइट्स है बेटा उनमें भी हम किस में करते हैं? आप कहेंगे सर कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं बेटा। हम कह सकते हैं टॉर्च बेटा जिनमें बैटरियों में सेल डलते हैं वो होती है टॉर्च, और जो किसान लोग हैं वो रात के समय अगर खेतों में चेक करने जाते हैं तो उनके पास जो चार्जिंग वाली टॉर्च होती है उसको बोलते हैं बेटा सर्च लाइट। और ऐसे ही बेटा कोई भी व्हीकल हो, आपकी स्कूटी हो, बाइक हो, या फिर कार वगैरह हो या बस हो, उन सभी की हेडलाइटों में किसका यूज करते हैं बेटा? आप कहेंगे सर कॉनकेव मिरर का। और बेटा ऐसे ही पांचवा यूज और है क्या? आप कहेंगे सर और क्या हो सकता है? तो कहेंगे इन इसमें आप कहेंगे सर टीथ चेकअप, बेटा जो दांतों की जांच है, या हम कहें कि सर जो कान वगैरह है उनकी जांच है, दांत हुआ, कान हुआ, नाक हुआ, नाक हुआ, गला हुआ, इन सब की जांच में, तो बेटा आपको जो इनके इमेज नजर आते हैं वो एलईडी स्क्रीन में एक्चुअल साइज से बड़े दिखाई देते हैं, तो बेटा वो कौन? और एक लास्ट पॉइंट और देख लिएगा क्या बेटा? एक लास्ट पॉइंट है सिक्स या सेवन, और उसको हम लिख सकते हैं क्या? टू गेन, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, टू गेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बेटा ध्यान से देखो बीम ऑफ लाइट इसको बोलते हैं बेटा समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने में, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम किसका यूज करते हैं? आप कहेंगे सर वी यूज कॉनकेव मिरर, बेटा अवतल दर्पण के ये यूज हैं कि गाड़ी जो है उसकी हेडलाइटों में बेटा, टॉर्च में, सर्च लाइटों में, या बेटा हम कह सकते हैं सोलर फर्नेंस हो, सोलर पैनल हो, या बेटा सेविंग मिरर हो, मेकअप मिरर हो, है ना? तो बेटा कार में दोनों तरफ जो है उसको हम साइड मिरर से नाम से जानते हैं, वर्षा रानी कार में जो मिरर डिफरेंट होते हैं, बेटा मैं सिर्फ हेडलाइटों की बात कर रहा हूँ, मैं साइड मिरर की या पीछे देखने वाले मिरर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसका टॉपिक बेटा कॉनवेक्स मिरर होगा, इसलिए वहां पर बात करेंगे, मैंने तो सिर्फ आपकी हेडलाइट देखी है, तो हेडलाइट बेटा चाहे किसी भी व्हीकल की हो उसी की बात हो रही है। तो वर्षा जी ये हमने सिर्फ हेडलाइटों की बात की है, अगर आप कहेंगे कि सर दोनों तरफ, तो बेटा दोनों तरफ की जो बात है वो केवल साइड मिरर में कंसिडर की जाएगी, इसलिए हमने उसका जिक्र जो है वो कॉनवेक्स में करेंगे। तो बेटा आप ये जो पॉइंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज आपको दी गई है, क्वेश्चन आए हुए हैं, सुन करके देखिए, उनसे जरूर हल होंगे बेटा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, आगे बढ़ रहे हैं हम, देखिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा मिरर का। अगर किसी ने लाइट में ये नहीं सीखा है तो समझ लीजिए वो आगे की कहानी नहीं पढ़ पाएगा। तो इसलिए आपको जरूरी यही है कि आप इन चीजों को ध्यान से और खुद से करके देखेंगे तब जाके आएगा। अब आता है बेटा क्या, इमेजेस, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। बेटा अब आपकी हेडिंग है कि देखते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस किस तरीके का बनता है, उनका जो साइज है बेटा वो ऑब्जेक्ट पर कैसे डिपेंड कर रहा है, छोटा है, बराबर है, बड़ा है, ये सारी बातें अभी क्लियर हो जाएगी इसके अंदर। इमेज फॉर्म्ड बाय, तो देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा ये जो है आपका, ये हमारा कॉनकेव मिरर है और इसमें पीछे की साइड बेटा पॉलिश है, ये हमने पॉलिश कर दिया है। इसी तरह से इसके बीच में से जो लाइन गुजरती है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं बेटा, मुख्य अक्ष। यहां पर ये आपका पॉइंट है जिसको हम पोल बोल देते हैं, ध्रुव। बेटा ये वो पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं फोकस, एफ। और बेटा ये वो पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि आप कहेंगे सर सर बीच बीच में आवाज नहीं साफ आ रही है, आ रही। बेटा यहाँ से तो सही है, कनेक्शन वगैरह बिल्कुल ठीक है और माइक भी लगा हुआ है। अगर फिर भी कोई इश्यू है तो हम इसको जल्दी शॉर्ट आउट करेंगे। और आप समझ पा रहे हैं डायग्राम के साथ तो बेटा बहुत अच्छी बात है, फिर भी हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है, देखिए बेटा एक बात मैं आपको बहुत बेसिक जो आप जानते हैं और फिर भी सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, या तो इमेज बेटा इसके ऊपर बनती है या इसके ऊपर बनती है या इसके ठीक नीचे बनती है। ध्यान से सुनिएगा, या तो बेटा इमेज जो है इसके ऊपर बनेगी या इससे ऊपर या इससे नीचे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपकी इमेज इस लाइन पर प्रिंसिपल एक्सिस पर बनती है या उसके नीचे बनती है तो आपका आंसर एक ही होगा कि इमेज हमेशा रियल होगी, वास्तविक जिसको बोलते हैं बेटा, और वो हमेशा इन्वर्ट होगी यानी कि उल्टी होगी। इसके ऊपर बनी हुई इसके नीचे हमेशा रियल और इन्वर्ट होती है, और इस लाइन के अगर ऊपर की ओर बन रही है वो हमेशा बेटा वर्चुअल होगी, जिसको आप आभासी या काल्पनिक कहते हैं। तो बेटा यहीं पर देखिए, अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए तो बेटा ये आगे की तरफ चलेगा, और यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक पॉइंट है और जिसको हम इन्फिनिटी मान के चल रहे हैं, इससे आगे कुछ है ही नहीं बेटा, ये वो लास्ट पॉइंट है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा, इन्फिनिटी कंसिडर कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं सर यहाँ पर हमने क्या रख दिया, इन्फिनिटी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ध्यान से देखिएगा, एक हम इस पर क्या रख रहे हैं, आप कह रहे हैं सर ऑब्जेक्ट रख दिया आपने। अब बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा लाइट क्या चलती है, पैरेलल, इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश की किरण है वो हमेशा मुख्य अक्ष के क्या चलेगी, समानांतर चलेगी। बेटा इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम आगे की बात बढ़ाते हैं, ये हमारी बिल्कुल क्या चल रही है बेटा, आप कह रहे हैं सर ये लाइट चल रही है, और ये लाइट जैसे ही आपकी यहाँ से टकराई तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये मिरर तक पहुंचेगी तब तक एक्ट करेगी किसकी तरह, इंसिडेंट रे, आपतित किरण की तरह बेटा। और जैसे ही ये टकराने के बाद अब जो फॉर्म में आएगी उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे को हिंदी में बोलेंगे परावर्तित किरण। ध्यान से देखिएगा बेटा, और ये यहाँ से लाइट टकराई और टकराने के बाद ये कहाँ से गुजरी बेटा, एफ से गुजरी, यानी कि फोकस से गुजरी। तो ये अब ये जो यहाँ से चल पड़ी है ये, इसको हम बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे को बोलते हैं परावर्तित किरण।
ध्यान से देखिएगा, यानी कि इस पॉइंट से लेकर, और बेटा ये जो रेज आ रही है ये रिफ्लेक्टेड है, जबकि बेटा यहां से लेकर यहां तक ये जो पहुंच रही है ये आपकी इंसिडेंट है। ऐसे ही बेटा एक नीचे से रेज ले लेते हैं हम, कि यहां से नीचे से भी कोई रेज है जो पैरेलल है बेटा, और जो इसके एज किनारों से टकराई, और टकराने के बाद फिर बेटा ये कहां से गुजरेगी? आप कहेंगे सर ये फिर हमारी एफ से, यानी कि फोकस से गुजरेगी बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, एक शोर से जो लाइट आपकी चल रही है बेटा वो हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पर मिलेगी बेटा, और उस पॉइंट को हम यहां पर डिनोट कर रहे हैं फोकस से। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब आपकी पोजीशन क्या हो, इन्फिनिटी हो ऑब्जेक्ट की, तो बेटा उसकी जो इमेज है वो कहां पर बनती है? फोकस पर बनेगी। और बेटा ये इक्वल बनी है, तो बेटा मैं यहां पर कह रहा हूं क्या कि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? आप कहेंगे सर इमेज केवल रियल बनेगी बेटा। रियल हमेशा कैसी होती है? आप कहेंगे सर रियल हमेशा इनवर्ट यानी कि उल्टी होती है बेटा। और ऐसे ही मैं कहूं आपसे, उल्टी होने के साथ साथ इसका जो साइज है बेटा वो सबसे छोटा है, और सबसे छोटे को पॉइंट साइज बोल सकते हैं बेटा, या आप इसको एक वर्ड से और नवाज सकते हैं, हाईली डिमनिश्ड। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, हाईली डिमनिश्ड, और डिमनिश्ड का मतलब होता है बेटा सबसे छोटा या बिंदु आकार का। बेटा पॉइंट से छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता बेटा, पॉइंट से छोटी इमेज तो कुछ हो नहीं सकती। ऐसे ये डॉट, इससे छोटा क्या होगा? कुछ है ही नहीं, फुल स्टॉप से बेटा छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहां पर जो आपकी रेज, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, एक दूसरे को काट रही है, वहीं पर इसका क्या बन रहा है बेटा? इमेज बन रहा है। ये रिफ्लेक्टेड रेज काटती है बेटा, इमेज बनाती है, और ये इमेज बन रही है फोकस पर। तो आपका पहले टेबल में यही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो? आप कहेंगे सर यहां पर अगर ऑब्जेक्ट की स्थिति देखें यू, तो यू तो क्या है बेटा? इन्फिनिटी पर है। और बेटा वी जो है वो कहां पर आया है? आप कहेंगे सर एट एफ, यानी कि फोकस पर आया है बेटा। और आप कहेंगे सर नेचर कैसी बनी है? तो आप कहेंगे नेचर जो है वो रियल है, रियल के साथ इन्वर्ट है, इन्वर्ट के साथ बेटा आप पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो बेटा हाईली डिमनिश्ड भी लिख सकते हैं। सबसे छोटा यही है बेटा, क्योंकि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो लास्ट में है, इन्फिनिटी पर है, इससे ज्यादा आपका ऑब्जेक्ट दूर जा भी नहीं सकता है, क्योंकि हमने लास्ट पॉइंट को क्या कंसिडर करके चले हैं? हम कह रहे हैं सर इन्फिनिटी कंसिडर करके चले। तो बेटा आप ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तो बेटा उसकी जो इमेज बनेगी वो एफ पर यानी कि फोकस पर बनेगी बेटा, उसकी नेचर इस तरह से हो जाएगी। आई थिंक आप समझ गए हो, ठीक है? शाबाश, एक बार बेटा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आप समझ पाए तो इसको, है ना। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। चलिए बेटा आप देखते हैं दूसरी इमेज, ध्यान से देखिएगा दूसरी इमेज जो है बेटा। अब हम दूसरी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, देखिएगा बेटा फिर से ये आपका वही पॉइंट हो गया जिसको हम फोकस बोल सकते हैं एफ, ये आपकी वही बेटा पॉलिश हो गई। अब एक बात देखिएगा बेटा, अब मैं उस ऑब्जेक्ट को, ये तो आपका लास्ट पॉइंट था जिसको आप कंसिडर कर रहे थे एज ए इन्फिनिटी, अब बेटा मैं उस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा रहा हूं, और बेटा ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है इससे कहीं थोड़ा सा पहले या आप मिडिल में रख सकते हैं बेटा। तो बेटा मैं इस ऑब्जेक्ट को सी से पहले रख रहा हूं बेटा, तो ये मेरा क्या हो गया? आप कहेंगे सर ये मेरा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो इन्फिनिटी से पहले आ चुका है, एक ऊंची डिस्टेंस पर आ चुका है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं।
यानी कि सी से हल्का सा पैरेलल हो। तो बेटा फिर से एक आपकी जो लाइट है उसकी रेज बेटा पैरेलल गई, और पैरेलल जाने के बाद ये फिर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई, और बेटा यहां से टकराने के बाद वो क्या हुई, आप कहेंगे सर फोकस से पास हुई। तो जो लाइट आपकी बेटा फोकस से पास होती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो बेटा अब एक बात देखिएगा, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट की जगह आप खुद को कंसीडर कीजिए, लेकिन एक ऑब्जेक्ट की जगह आप खुद को कंसीडर कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर आपकी आईज है, आंखें हैं, और इस आंख से आप देख रहे हो कि आप कहाँ पर लाई करते हैं। तो बेटा यहाँ से आपकी आंखों से एक रेज जा रही है, एक लाइट जा रही है बेटा, और ये जो लाइट है ये जैसे ही आपकी इस मिरर से टकराई, और मिरर से टकराने के बाद ध्यान से देखिएगा, अब ये पैरेलल हो जाएगी बेटा, और पैरेलल होने के बाद वापस बिल्कुल चलेगी अपोजिट साइड में। और आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका जो है बेटा वो आपकी ये रिफ्लेक्टेड रे ये, और बेटा ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर बाइसेक्ट हुई है, यहाँ पर कटी है बेटा। तो बेटा आपकी जो इमेज है वो यही तो बनी बेटा, ये क्या बनी आपकी, आप कहेंगे सर इमेज बनी है ये हमारी बेटा, ये इमेज बनी है। तो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट ए और बी है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा ऊपर बनेगी। तो बेटा इसकी हम यहाँ पे बी मान लेते हैं, यहाँ पे आपकी बेटा ए हो गई, बी ए इमेज की बेटा। अब आपकी जो नेचर है बेटा वो चेंज हो जाएगी, क्या रियल तो रहेगी, इन्वर्ट भी रहेगी बेटा, लेकिन आप कहेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ पर एक पॉइंट बदल जाएगा और उसको हम बोल रहे हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या बेटा इसका एक वर्ड और लिख सकते हैं और वो केवल है डिमिनिश्ड। ध्यान से देखिएगा बेटा, डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा। नहीं तो क्लियर ही हो जाना चाहिए, है ना। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है बेटा यहाँ से टकराने के बाद ये आपकी लाइट है रिफ्लेक्टेड रे है, ये पैरेलल है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के, और बेटा ये भी आपके क्या है पैरेलल है। तो ध्यान से देखिए, जहां पर आपका ये दोनों लाइनें रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट करती है बेटा, वहीं पर आपकी इमेज बनेगी, और वो इमेज जो है बेटा ऑब्जेक्ट से छुपी रहेगी। तो अब आप कह सकते हैं कि यू क्या है बेटा, यू क्या है, तो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, आप कहेंगे सर बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब है बेटा वक्रता केंद्र से पहले या दूर या परे, इसको हिंदी में पढ़े तो बेटा सी से दूर या परे पढ़ सकते हैं। वी क्या आया बेटा, आप कहेंगे सर बिटवीन एफ एंड सी। ध्यान से देखिएगा बेटा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या बनेगा, आप कहेंगे सर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या बनेगी, बनेगी रियल बनेगी, इन्वर्ट बनेगी बेटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या आप डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। ये बेटा आपको देख रहे डायग्राम की एक बात समझ में आती जा रही है, तो देखे देखे बेटा आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर था इन्फिनिटी पर, तो बेटा इमेज थी आपकी एफ पर फोकस पर, बेटा जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट सी से पहले आया तो बेटा इमेज भी खिसक गई और ये एफ और सी के बीच में आ गया, मतलब इमेज बेटा ऐसे जा रही है, ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है ऐसे, और इमेज बेटा आपकी ऐसे आती हुई जा रही है। तो यहीं पर देखते हैं बेटा तीसरा जो है वो कैसे कंसिडर है। सर वॉइस प्रॉब्लम हो रही है बेटा, माइक तो लग रहा है फिर भी ठीक है। चलिए तीसरी इमेज देखते हैं बेटा, बेटा किताबों में क्या लिखा है उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है बेटा, आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, है ना। और एग्जाम क्रैक तभी करोगे जब बेटा रेगुलर क्लास में बने रहेंगे, खुद से प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, मुझसे सॉल्यूशन लेंगे और खुद से ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, ठीक है ना। तो
तो आप इस बात का ध्यान रखें। चलिए बेटा, ये वही पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं एफ, यानी कि फोकस। बेटा ये आपका पॉइंट है जिसको हम कंसिडर कर रहे थे, इन्फिनिटी। अब बेटा हम यहां पर ऑब्जेक्ट को और आगे की तरफ लेके आए, और आप कहेंगे सर अब जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ आ गया है, बिल्कुल सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया है। बेटा यहां पर हम रख दिया ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखिएगा बेटा, ऑब्जेक्ट रख चुके हैं यहां पर। फिर से लाइट जो है इंसिडेंट होगी बेटा, वो ठीक पैरेलल होगी, और बेटा ये यहां से कहां से गुजरी, आप कहेंगे सर फिर फोकस से गुजरी बेटा, ये लाइट आपकी इंसिडेंट हुई बेटा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से पास हो गई। दूसरा आप कहेंगे बेटा फिर इस ऑब्जेक्ट से आपने लाइन देखी, तो बेटा सीधी जो रेज है वो आपकी कहां गई, फोकस से पास हुई बेटा, और यहां पर टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। और बेटा जैसे ही ये पैरेलल होगी तो ध्यान से देखिएगा, ये यहां पर बेटा सीधी चलती हुई आएगी और ये यहां पर टकराएगी बेटा, यहां पर आपकी जो रे है वो रिफ्लेक्ट होकर बेटा यहां से आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ठीक नीचे ही बेटा क्या बन गई, आप कहेंगे सर इसके ठीक नीचे ही हमारी इमेज बन गई बेटा, इसके ठीक नीचे ही इसकी इमेज बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा है तो उसकी इमेज भी सी पर बनेगी बेटा, लेकिन नीचे की तरफ बन रही है तो रियल तो ठीक है, रियल के साथ साथ इन्वर्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन बेटा जो साइज है वो आपका इक्वल टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये बेटा इक्वल टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो बेटा अब हम कह सकते हैं कि पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट यू, यानी कि कहां पर है, आप कहेंगे सर एट सी, बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। ऐसे ही बेटा मैं कहूं कि वी कहां पर बना, तो आप कहेंगे सर वी जो है वो भी बेटा सी पर ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है। और बेटा अगर ऐसा हुआ है तो हम कहेंगे सर वो रियल है, इन्वर्ट है, और बेटा इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज है, वस्तु के बराबर बनेगा बेटा प्रतिबिंब आपका। लेकिन हम ये कहेंगे कि सारी की सारी डिस्टेंस बेटा नेगेटिव है, यू भी लेफ्ट साइड में है, इमेज भी लेफ्ट साइड में है, फोकल लेंथ भी, और बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सभी के सामने जो सिंबल आएगा वो नेगेटिव। ठीक है बेटा, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सी है बेटा, इमेज भी यही है। चलिए बेटा फोर्थ इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। बेटा अगर आपने ये तीन पॉइंट नोट कर लिए हो, समझ पाए हो आप, तो बेटा यहीं से हम फोर्थ और फिफ्थ इमेज यहीं से लिख देंगे बेटा। ध्यान से देखिएगा, कुछ नया नहीं करना है, बस हम क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, जो पहले इमेज आ रही थी बेटा उसको अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन मान लेंगे, और जो बेटा ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसको हम इमेज की मान लेंगे, बस उल्टा कर देंगे, जिसको हम वाइस वर्सा के नाम से जानते हैं, ठीक अपोजिट बेटा, इन तीनों में से ही देखते हैं। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं अब ऑब्जेक्ट को किसके बीच में लेके आता हूं, आप कहेंगे सर सी और एफ के बीच में लेके आते हैं, तो बेटा ये अपना कोई ना कोई क्या हो गया, आप कहेंगे सर ये हमारा कोई ना कोई क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो बेटा इमेज की पोजीशन नहीं थी क्या, कि जब आपने सी से पहले रखा था तो बेटा एफ और सी के बीच में इमेज आ रही थी, अब उल्टा कर दिया, अब इमेज को हम ऑब्जेक्ट बना के चल रहे हैं बेटा, यहीं से आपकी लाइट फिर इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद ये बेटा एफ से गुजरी, यानी कि फोकस से गुजरी बेटा, ध्यान से देखिएगा ये फोकस से गुजरी बेटा। और मैं ये कह रहा हूं कि अब हमने फिर अपनी पोजीशन देखी, तो बेटा ये फिर कहां से गुजरा, एफ से, और बेटा एफ से गुजरने के बाद ध्यान से देखिएगा, एफ से गुजरने के बाद ये बिल्कुल पैरेलल आई बेटा, और यहां पर ये लाइट इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये हुआ बेटा
कि आपकी यहां पर क्या बन रही है, आप कहेंगे सर यहां पर हमारी कोई ना कोई इमेज बन रही है बेटा। तीस से थोड़ा सा पहले बन गई तो बेटा हम ये कह सकते हैं पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि यू कहां है, आप कहेंगे सर बिटवीन सी एंड एफ, ध्यान से देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में है बेटा, लेकिन आपकी जो इमेज है बेटा वो किधर आ रही है, आप कहेंगे सर बियॉन्ड सी यानी कि सी से बेटा पहले या दूर, सी से पहले या दूर बेटा। और हम बोलते हैं कि अब आपका जो साइज है वो बेटा ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो आप कहेंगे सर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और बेटा इसी को दूसरा वर्ड और बोल सकते हैं क्या, आप कहेंगे सर इन लार्ज के नाम से भी जान सकते हैं बेटा, इन लार्ज का मतलब है बड़ा। बेटा ध्यान से देखो, अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ के बीच में आ चुका है और जो इमेज है पहले या दूर बोल सकते हैं, लेकिन इमेज जो है बेटा अब वो ऑब्जेक्ट से बड़े साइज में नजर आ रही है। तो बेटा ये हमने पॉइंट जो है तीन पॉइंटों में से ही लिखा है, आप देख सकते हैं कि पहले इमेज की पोजीशन ये हुआ करती थी और ऑब्जेक्ट की ये, अब बेटा उसका हमने ठीक अपोजिट कर दिया है। बेटा चार हो गई, एक इमेज और देख लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। देखो बेटा आपको ही समझना है, जितना अच्छे से समझ पाए बेटा वो ही आपका क्वेश्चन आंसर वैसे ही होगा। ये बेटा एफ है आपका फोकस, ये बेटा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। लास्ट बात देखिए बेटा, अब मैं उस ऑब्जेक्ट को एफ पर रख रहा हूं बेटा, फोकस पर रख रहा हूं बेटा, ये जो है ये आपका एफ है यानी कि फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया बेटा। और जैसे ही इसको रखा तो बेटा एक बात बताइए मुझे, यहां से आपकी जो लाइट है वो इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद बेटा ये कहां से गुजरेगी, ध्यान से देखो बेटा एफ से ही गुजरेगी, फोकस से ही गुजरेगी बेटा। और जैसे ये फोकस से गुजरी तो अब एक बात बताइए मुझे क्या, कि बेटा अब अगर जैसे ही लाइट आपकी क्या होती है सीधी पड़ती है, तो यहां से देखो बेटा ये लाइट ऐसे पड़ेगी यहां पे, और बेटा ये जैसे ही पड़ी तो यहां से टकरा कर ये वापस लौटेगी, और ये बेटा वापस लौट रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो लाइट स्टार्ट हुई है बेटा वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और बेटा कहीं ना कहीं लास्ट में पॉइंट आएगा, और बेटा जो लास्ट में आएगा उसको हम इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे, जो लास्ट में जो पॉइंट आएगा बेटा उसको हम इन्फिनिटी क्लियर करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो बेटा यू क्या है, तो आप कहेंगे सर यू जो है वो एट एफ बेटा फोकस पर बनी है, लेकिन बेटा जो वी है वो कहां पर बनी है, आप कहेंगे सर एट इन्फिनिटी अनंत पर बनी है बेटा। और बेटा यहां पर जो साइज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर हाईली मैग्नीफाइड। यहां पे ध्यान से देखो बेटा, यहां पर मैंने एक लाइन चेंज कर दी और उसको हम बोल रहे हैं हाईली मैग्नीफाइड, और बेटा इसको हम बोलते हैं आवर्धित, आवर्धित का वर्ड मतलब है बहुत बड़ा, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता बेटा, पॉइंट से छोटा कुछ नहीं हो सकता बेटा, और इनफिनिटी से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। तो ये लास्ट पोजीशन है जहां पर बेटा आपकी क्या बनी है, इमेज बनी है। और बेटा एक लास्ट पॉइंट छोटा सा आपको बताना है कि एक ऐसा केस है जो बेटा एक्चुअल में घटता नहीं है लेकिन फिर भी वो पढ़ाना पड़ता है इमेज का ही, जिसको हम वर्चुअल बोलते हैं। तो देखो बेटा वो क्या है, समझिएगा ये बहुत जरूरी है बेटा समझना इसको। देखिए लास्ट पॉइंट है बेटा, इसको खत्म करते हैं। बेटा ये आपका वही पॉइंट हो गया फोकस एफ, बेटा ये आपका पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब एक बात देखिएगा कि बेटा अब ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रख रहे हैं, आप कहेंगे सर अब जो है हम ऑब्जेक्ट को वो बेटा फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं बेटा,
ऑब्जेक्ट को जो है बेटा, यानी कि जो यू है वो बिटवीन किसके है? आप कहेंगे सर एफ एंड पी। बेटा फोकस और पॉइंट को देख रहे हो, और बेटा जैसे ही आपकी लाइट यहां से टकराई, ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां से टकराने के बाद अब एक बात बताइए, क्या वो फोकस से पास होगी? आप कहेंगे सर फोकस से पास नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कहां आ चुका है? आप कहेंगे सर फोकस से आगे आ चुका है। तो बेटा एक बात देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट इंसिडेंट होगी बेटा ये, और ये ऐसे होती हुई बेटा यहाँ पर ये गई, और ये जैसे ही पीछे जाएगी तो डॉट लाइन आ जाएगी बेटा, डॉट। और बेटा एक कंसिडर करें हम, क्या कि अगर लाइन हमारी कहाँ से जाती? फोकस से जाती बेटा। लाइन अगर हमारी कहाँ से जाती? फोकस से जाती। अगर हम ऐसा कंसिडर करके चले तो बेटा वो कहीं ना कहीं पीछे जाके मीट होती, पीछे मिलती बेटा। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो ए और बी जिसकी हाइट है, तो बेटा ये बिल्कुल सीधा बनेगा ए डैश और बी डैश। ये हम ऐसा कंसिडर करें बेटा कि अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता? तो बेटा ये सिर्फ हमारा भ्रम है, कल्पना है, आभासी है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं बेटा वर्चुअल। ये बात ध्यान से देखेंगे, वर्चुअल को आप आभासी या काल्पनिक बोल सकते हैं बेटा। और मैं जानता हूं कि बेटा बिल्कुल सीधी इमेज है, और सीधी को बोलते हैं आप इरेक्ट, सीधा बेटा। लेकिन आपका जो साइज है ऑब्जेक्ट का, वो इमेज का, वो लार्ज है। तो बेटा इमेज कैसी बनी है? आप कहेंगे सर मैग्नीफाइड, जिसको हम बड़ी बोल सकते हैं बेटा। और कहाँ बनी है बेटा? बिहाइंड द मिरर, दर्पण के ठीक पीछे। पोजीशन फिक्स नहीं कर सकते बेटा, इसलिए इसमें एक ही लाइन लिखी जाती है, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के ठीक पीछे क्या बनेगी? आपकी इमेज बनेगी। तो बेटा यहां पर मैंने डॉट लाइन से शो किया है, तो जो डॉट होती है वो इमेजिनेशन, कल्पना मात्र होती है। और लेकिन बेटा ये जो लाइन है आपकी डार्क, वो रियल है कि ऐसा हुआ है। रियल इमेज को हमेशा स्क्रीन पर ले सकते हैं, जबकि इस इमेज को हम बेटा स्क्रीन पर नहीं ले सकते, क्योंकि ये आभासी है, कल्पना है, कि अगर ये पीछे पॉलिश ना हुआ होता तो लाइट यहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करती और तो बेटा मेरी तरफ से आपका ये जो कॉनकेव मिरर है ये कंप्लीट हुआ। एक आपका कॉनवेक्स बच गया है, उसके यूजेस हैं, उसमें भी पोजीशन बनेगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके बेटा, बाय।